डुप्लीकेट लेजर टैली में नहीं बनता है, लेकिन तरीका क्या है बनाने का वो दिखाता हूँ। देखिए लेजर बनाने के लिए क्रिएट पे जाते हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी के लिए कंपनी पे जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमको लेजर बनाना है तो सीधा क्रिएट पे चलते हैं। लेजर तो क्रिएट से ही जाके बनता है, ठीक है, तो क्रिएट पे आ गए। अब यहाँ लेजर दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे जाइएगा और एंटर कर दीजिएगा। जैसे एंटर करेंगे लेजर क्रिएशन वाली विंडो आ गई। अब पहला लेजर हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, तो ये कैपिटल अकाउंट हो गया, इसका ग्रुप क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये लेजर पहले से मौजूद है तो ये क्या दिखा रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंटर अ डिफरेंट नेम, या तो आप डिफरेंट नेम से बनाइए, अगर सेम नेम से बनाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है टैली में, लेकिन हाँ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है वो दिखाता हूँ। जैसे इसी नाम से बनाना है, एकदम सेम इसी नाम से, तो आप एक काम करिए एक्सल ओपन कर लीजिए, एक्सल, ठीक है, यहाँ से एक्सल ओपन कीजिए। ये एक्सल ओपन किया, ये एक्सल ओपन हो रहा है, देखिए ये एक्सल, ठीक है, और यहां से हम ब्लैंक ले लेते हैं और यहां पे क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, CAPITAL, कैपिटल, वो तो स्मॉल ही था, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको कॉपी कीजिए और कॉपी करके क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, ठीक है, पेस्ट किया, अब एंटर किया, तो देखिए ये डुप्लीकेट लेजर एक्सेप्ट कर जा रहा है कि नहीं। अब ये दो दो लेजर हो जाएंगे, देखिए एंटर करके मैं दिखाता हूँ अभी दो दो लेजर कैसे हो जाएंगे, ये देखिए ये हो गया। अब चलते हैं लेजर वाले लिस्ट पे, तो ये लेजर आ गया। अब यहाँ से अल्टर करेंगे लेजर को, यहाँ से पहले बाहर आ जाए, ये अल्टर पे आए, अल्टर अल्टर पे आके देखेंगे कि कितने लेजर हैं। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल का कितना लेजर है, देखिए जरा, और दोनों सेम लेजर हैं कि नहीं, ठीक है ना, तो डुप्लीकेट लेजर भी बना सकते हैं लेकिन वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, ओके।